मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। हमारे कब शुरू था मेरे वजूद से खेलना मत, जिसे कि जूही सिंह बेटी ने लिखा था। उसमें हमारी बड़ी प्यारी बच्ची शिखा चतुर्वेदी ने बड़ा बढ़िया आर्टिकल भेजा है। शिखा और सुंदरम दोनों ही हमारे परमानेंट परिवार के सदस्य हैं और इनके लगातार कमेंट्स आते रहते हैं। हम भी इन्हें खुश होकर गदगद होकर हमेशा आशीर्वाद देते हैं, माँ सरस्वती कृपा सदा आप पर बनी रहे। तो इन्होंने कहानी भेजी है कि एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो किसान सुनता और निर्णय लेने का प्रयास करता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बैल था वो बहुत बूढ़ा था और किसी काम का था नहीं। उसने सोचा इसको बचाने से क्या फ़ायदा, कुछ दिन बाद तो ये मर जाएगा ही। उसने अपने सभी पड़ोसियों को इकट्ठा किया और उनकी मदद लेकर के उसको सोचा कि इसको कुएं में ही दफना दिया जाए। सारे पड़ोसी अपना अपना फावड़ा लेकर आए, मिट्टी खोदते, कुएं में डालते। अब जब बैल ने देखा अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। लेकिन लोगों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लोग उसके ऊपर मिट्टी डालते रहे। अचानक से वो बिल्कुल चुप हो गया, आश्चर्यजनक रूप से चुप हो गया। और जैसे लोग मिट्टी डालते वो अपने शरीर को कस के हिलाता और सारी मिट्टी झड़ जाती। जैसे मिट्टी झड़ जाती वो उसके ऊपर खड़ा हो जाता। अच्छा, किसान ने कुएं में झांक कर देखा कि क्या कर रहा है। उन्हें अरे मेरा बैल आश्चर्यजनक रूप से अपने शरीर को हिला के न जाने कैसी हरकत कर रहा है। लेकिन फिर भी मिट्टी डालना उसने बंद नहीं किया, डालता रहा। अब हर बार बैल अपने शरीर को झाड़ता, सारी मिट्टी गिरा देता और उसके ऊपर चढ़ जाता, क्योंकि बैल को समझ में आ गया था कि मेरे साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मुझे दफनाया जा रहा है। खैर, मिट्टी पड़ती गई, बैल झाड़ता गया और एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता गया। और जैसे ऊपर तक आया उसने फ्लाक से छलांग मारी और कुएं से बाहर निकल के पूरी स्पीड से भाग गया। तो ये कहती हैं कि ध्यान रहे, आपके जीवन में भी बहुत तरह की मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिराई जाएगी। आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या कर आपको बेकार में ही बुरा भला कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनानेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होगा। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उसे सीख लेकर उसी की सीढ़ी बना करके बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है और कुछ कर दिखाना है। आगे कहती हैं सकारात्मक रहें, सकारात्मक जिए। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार है धैर्य और सबसे बढ़िया दवा हंसी है। और आश्चर्य की बात कि ये सब बिल्कुल निशुल्क है, कोई इनका दाम नहीं देना पड़ता। सोच बदलो जिंदगी बदल जाएगी। तो आप लोग को शिखा की कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको